वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात मुतवक्के। मुमकिन मुलाकात में कोरोना से मुतालिक सूरतेहाल और मुतासरा इलाकों को सील करने पर मुशावरत होगी। इमरान खान ताजरों और सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म लाड़काना और जैकबाबाद का दौरा भी करेंगे। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में से मुतालिक इजलास। इमरान खान ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी के समरात आवाम तक पहुंचाने की हिदायत कर दी। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुतासरा 20 शहरों की निशानदेही कर दी। हॉटस्पॉट शहरों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पिशावर और फैसलाबाद शामिल। पेरिस में मुल्तान, गुजरावाला, हैदराबाद, सखर, सियालकोट और दीगर शहरों का भी नाम। मुतासरा शहरों में हिफाजती इंतजामात मजीद बेहतर करने पर जोर। ये ऐसा बंदा है जिसने वली बाबर को शूट किया था। इज द मैन शूटर। फैसल मोटा था, वो इस केस में मास्टरमाइंड था। कराची में हसास इदारे और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की मुश्तरका कार्रवाई। सहाफी वली खान बाबर के कत्ल के मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। कामरान उर्फ ज़ीशान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजाए मौत सुना रखी थी। कराची पुलिस चीफ की वज़ीर इत्तला'आत नासिर हुसैन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुलजिम को साउथ अफ्रीका से अहकाम मिलते थे। स्टूडेंट लाइफ में ANP से ताल्लुक और प्रोफेशनल लाइफ में बानी MKM के खिलाफ स्टोरीज चलाना कत्ल की वजह बना। इस्लामाबाद में शहरी को गाड़ी तले कुचलकर जख्मी करने वाला वाकया। भारतीय हाई कमीशन के दो अहलकारों को सिफारती इस्तिस्ना ने बचा लिया। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज FIR सील कर दी गई। दोनों अहलकार भारतीय हुकाम के हवाले। मुल्क भर में कोरोना वायरस ने मजीद 97 जिंदगियां निगल ली। 5,248 नए केसेज रिपोर्ट। लाहौर में तश्वीशनाक सूरत हाल। पंजाब हुकूमत ने 80 इलाके 15 रोज के लिए सील करने का ऐलान कर दिया। आज रात से शादरा, मजंग, निश्तर टाउन, शादबाग, कैंट और अंदरून लाहौर सील होंगे। इकबाल टाउन और गुलबर्ग के इलाके भी बंद कर दिए जाएंगे। खाने पीने की अशिया और फार्मेसी खुली रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अलर्ट। ज्यादा केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक को और फीस चेक दोनों को ECL पे डालें और परफॉर्मेंस बॉन्ड बनवाए उनसे कि तुमने फला फला चीजें करनी है, अगर नहीं करोगे तो ये इस मुल्क से नहीं जाओ। दहशतगर्दी का खात्मा किया, कराची को उसकी रौनकें वापस की, मेरे कायद ने की। आज लोगों को उसकी याद आ रही है, वो आएगा, जरूर आएगा। मुल्क की मईशत तबाह करने का इल्जाम। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घन गरज। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का नाम ECL में डालने का मुतालबा। कहा ये लोग IMF के अंडरटेकर बन चुके हैं, ये मुल्क का बेड़ा गर्क करके अपने आकाओं के पास चले जाएंगे। असद उमर का भी जवाबी वार, बोले आप जाली प्लेटें दिखाकर लंदन पहुंच जाएं तो ECL का क्या फायदा। इसहाक डार ने रुपए को जाली इस्तेहकाम दिया। मिफ्ता इस्माइल ने भांडा फोड़ दिया। नैब कानून बनाने में PTI का कोई हिस्सा नहीं। माली साल 2020-21 के लिए पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा ना हुआ। बजट का कुल हजम 2,240 अरब रुपए। तरक्याती मंसूबों के लिए 337 अरब, तालीम के लिए 391 अरब, सेहत के लिए 284 अरब, ज़रात के लिए 31 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस। कोरोना से मुतासरा शोबों के लिए खुसूसी टैक्स रिलीफ। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल तामीर किया जाएगा। 7 अजला में नई जामियात बनेगी। सिनेमा को टैक्स से इस्तिस्ना। और ठंडे और मौतदिल मौसम की लंबी इनिंग्स खत्म। सूरज ने आंख दिखाना शुरू कर दी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान मुल्क भर में हीट वेव की पेशगोई कर दी। मैदानी इलाकों के लोग मोहतात रहें। ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास और कराची में वक्फे वक्फे से बादल आते जाते रहेंगे।